सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे एंड मौज मस्ती में होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग क्या करेंगे, अपने NS 200 पे लगाएंगे RS 200 का अंडरवेली। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी बाइक में आप लोगों ने देखा भी होगा शायद कि NS 200 पे जो है RS 200 का अंडरवेली लगाते हैं, वो जो नीचे से ऐसा लंबा होता है वो वाला अंडरवेली। तो फाइनली आज हम लोग वो इंस्टॉल करने वाले अपनी बाइक पे, एंड पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे एंड आप लोगों को लुक्स भी दिखाएंगे कि कैसा देखने को मिलता है हमें, एंड प्रॉपर वीडियो आएगा, एकदम फुल वीडियो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं घर पे हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ नौगांव, एंड वहाँ पे एक भैया के पास जाएंगे, वो अच्छी तरह से हमें फिट कर देगा। उसके साथ मेरा बात हो चुकी है ऑलरेडी कॉल करके। तो चलो फटाफट सीधा चलते हैं नौगांव, एंड रोड का आपका कोई सीन नहीं दिखाएंगे बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए, तो डायरेक्ट चलते हैं नौगांव। तो चलो 3 2 1। सो गाइस, फाइनली हम लोग जो नौगांव पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हो अपना बाइक का मॉडिफाई स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी जो मैं शॉप पर हूँ ये देख सकते हो SB एक्सेसरीज स्टोर, ये बिल्कुल JB जो बजाज डीलर है उसके सामने ही है। तो अभी मैं आप लोगों को बाइक का लुक दिखाता हूँ, लगभग काम कंप्लीट हो ही चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इधर पे देख सकते हो इस साइड का लगा दिया है, अभी प्रॉपर फिट नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, एंड उसके बाद इसका पेंटिंग होगा, इसको हम व्हाइट कलर करवाने वाले हैं, एंड उस साइड का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कुछ ऐसा लुक देखने को हमें मिल रहा है, ये जब पेंट होगा एंड इस पर थोड़ा बहुत ग्राफिक्स की काम भी करेंगे, एंड उसके बाद उसका लुक जो निकल के आएगा बहुत ही तबाही लुक आएगा। एंड ये भाई हमारा जो है हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसको चाहिए तो लगा चाहिए तो आ जाना यहाँ पे SB एक्सेसरीज, किसी भी मॉडल में लग जाएगा, सभी बाइक पे लग जाएगा, RS NS में दोनों बाइक पे लग जाएगा इजीली तरीके से। NS पे फिट करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो नए वाला NS पे हमें डबल स्टैंड देखने को मिलता है इसलिए इसको फिट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कट करके यहाँ पे बैठा दिया है, एंड अभी फिट हो ही गया है ऑलमोस्ट, एंड अभी प्रॉपर फिटिंग करेंगे एंड उसके बाद इसको पेंट करेंगे, एंड उसके बाद आप लोग को लुक दिखाते हैं। तो चलो, यहाँ पे बाइक की शॉप पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, इंडिकेटर्स, लीवर गट्स, क्या चाहिए आपको ऑल सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये व्हील कवर्स वगैरह अलग अलग कलर में है, ग्रीन, ऑरेंज, ये ब्लैक, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह भी है एंड बैंड पाइप वगैरह सबकी, सभी बाइक की अवेलेबल है बैंड पाइप, एंड यहाँ पे देख सकते हो वाइजर भी है बहुत सारे, एंड यहाँ पे फॉग लाइट वगैरह सब कुछ है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो, एंड कुछ जानना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हो कुछ भी चीज़ चाहिए। तो ये देखो भाई, एंड इधर अपना बाइक का जो है काम चालू है फिलहाल, उसके बाद आप बिल्कुल लुक चेक करा दे। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी अपना पेंटिंग का काम जो है वो चालू है, एंड इस पर हम लोग कर रहे हैं व्हाइट कलर का पेंट, वो भी स्प्रे पेंट कर रहे हैं, एंड इसको हम दो बार यूज़ करेंगे, एक बार सूखने के बाद फिर से एक बार पेंट करेंगे ताकि इससे अच्छी तरह से ग्लो निकल के आए एंड इसका फिनिशिंग भी अच्छा हो। तो इसको फटाफट से पेंट करते हैं एंड उसके बाद रखेंगे इसको धूप में सूखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, एंड इसको हमने धूप में भी अच्छी तरीके से सुखा दिया है, एंड अभी ये प्रॉपर तरीके से सूख रहा है। तो इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक पे एंड लुक दिखाएंगे। एंड इधर भाई मैं बैठा हूँ, ये वॉइस ओवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसीलिए ऐसे ही बैठा था। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे देख सकते हो अपना काम कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी लुक देखो भाई, क्या तबाही लुक निकल कर रही है, एंड इसका फिटिंग देख सकते हो भाई, बहुत अच्छी तरह से ये फिट हो चुका है। यहाँ पे नट बोल्ट्स, यहाँ पे नट बोल्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से फिट हो गया है, एंड आगे की साइड कुछ ऐसा है, एंड इस साइड का भी दिखा देता हूँ, इधर से कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है एंड कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसमें थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का काम भी बाकी है, वो मैं आज नहीं करूँगा, बहुत लेट हो गया हूँ भाई। यहाँ पे ग्राफिक्स का कुछ डिज़ाइन हम लोग लगाने वाले हैं तो और भी ज़्यादा क्लीन लुक आएगा। यहाँ पे रेड है ना टैंकी पे, तो हम यहाँ पर भी कुछ रेड का फिनिश करके कुछ मैच करा देंगे बाइक के साथ में, तो उसके बाद इसका लुक और भी ज़्यादा तबाही निकल के आएगी। एंड अभी भी देखो भाई कैसा लुक आ रहा है, ये देखो भाई। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी मैं घर पे हूँ, फिर से वही घर पे ही आ गया हूँ। तो अपना बाइक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है एंड बस स्टिकरिंग का काम रह गया है, उसका एक वीडियो अलग से आएगा, इस पर क्या ग्राफिक्स लगाऊंगा वो मैं अभी सोच रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ। अगर आप लोगों के दिमाग में भी कुछ आइडिया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना। ये देख सकती है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, डिस्प्ले पे शायद आपको दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर भी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है,
वहाँ पे जाके आप मुझे फोटो सेंड कर सकते हो कि भाई कुछ ऐसा डिज़ाइन बना दो, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हो। तो आई होप कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दोगे। तो आज का जो वीडियो है वो यही था, आप लोगों को इसका लुक दिखाना था। तो कैसा लगा लुक कमेंट करके बताना, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना, एंड चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड आउट, राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।